हेलो डियर फ्रेंड्स, देखिए अंग्रेजी बोलचाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आज मैंने तैयार किया है आपके लिए। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इफ यू रियली वांट टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, यू आर रिक्वायर्ड जस्ट टू यूज़ ऑल दिस इम्पोर्टेंट थिंग्स आई हैव रिटन। अंग्रेजी बोलचाल में सारी चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है, आपको ये लर्न करना है, और जब भी बोलचाल करना है किसी से आपको बोलना है तो ये सारी चीजों को पहले बोलना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप सेंटेंस बनाइए। कोई भी सेंटेंस बनाना है उसके बाद बनाइए, राइट। प्लीज वॉच वेरी अटेंटिवली। देखिए आई एम ग्लैड दैट, मुझे बड़ी खुशी है कि देखिए ये कितना ज्यादा बोला जाता है। ये सब हमारी रूटीन कम्युनिकेशन में सब चीजें बहुत बोली जाती है, तो आपको सिर्फ बोलना है। देखिए आई एम ग्लैड दैट, मुझे खुशी है कि यू हैव गॉट जॉब, आपको नौकरी मिल गई है, राइट। Now next one is I am proud that, मुझे गर्व है कि you are my friend, तुम मेरे मित्र हो। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं, आपको एक नहीं बनाने, क्योंकि हम इतने सारे सेंटेंस आपको नहीं बता सकते थे, इसलिए मैंने एक एक केवल सेंटेंस बनाया और आपको एक के साथ कम से कम चार चार सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। दिस इज हाउ ऐसे ही यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश, राइट। ओके वॉच द थर्ड वन इज She is shameful that, वह शर्मिंदा है कि, क्या वह शर्मिंदा है कि you did not talk well, तुमने अच्छे ढंग से बात नहीं की। वह शर्मिंदा है कि तुमने अच्छे ढंग से बात नहीं की। Next है I don't have job, वह शर्मिंदा है कि she has no job, उसके पास नौकरी नहीं है। या I am shameful that, मैं शर्मिंदा हूँ, I am same for that, मैं शर्मिंदा हूँ कि I have no job, मेरे पास कोई भी job नहीं है, या I don't have job, right? Okay, it is shameless that, ये बड़े बेशर्मी की बात है कि it is very shameless that, ये बड़े बेशर्मी की बात है कि you don't obey your parents, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हो या आज्ञा नहीं मानते हो, right? ओके नेक्स्ट इसका एग्जांपल मैंने लिखा है यू स्पीक सो अबाउट गॉड, तुम भगवान के बारे में ऐसा बोलते हो। ये बड़े शर्म की बात है कि तुम भगवान के बारे में ऐसा बोलते हो, राइट। नेक्स्ट है इट इज बिलीव दैट, विश्वास है कि, इट इज बिलीव दैट का मतलब होता है विश्वास है कि, आगे कोई भी सेंटेंस हम लगा सकते हैं, यू विल गेट गवर्नमेंट जॉब, विश्वास है कि तुम्हें या तुम सरकारी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, विश्वास है कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी या तुम सरकारी नौकरी पा लोगे, राइट। ओके नेक्स्ट वन इज इट इज प्रोहिबिटेड दैट, या इट इज प्रोहिबिटेड दैट का मतलब होता है मनाही है या मना है। ओके मना है कि नो वन कैन स्मोक ओवर हियर, मना है कि यहां कोई भी धूमपान नहीं कर सकता है। इट इज प्रोहिबिटेड दैट नो वन कैन स्मोक ओवर हियर, ओवर हियर मतलब यहां पर, राइट। ओवर हियर का मतलब होता है यहां पर, राइट। नेक्स्ट वन इज द ट्रेजेडी इज दैट, इसका मतलब होता है अफसोस की बात तो यह है कि, राइट। आगे कोई भी सेंटेंस आप लगा दीजिए, अफसोस की बात तो यह है कि यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तुम कुछ भी करना नहीं चाहते हो, राइट। अफसोस की बात तो यह है कि तुम कुछ भी करना नहीं चाहते हो, राइट। सो द ट्रेजेडी इज दैट यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, राइट। ओके नेक्स्ट है द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, मजे की बात तो यह है, राइट। मजे की बात तो यह है यू, ओके नेक्स्ट इज शी विल गो विद अस टुमारो, वह हमारे साथ कल जाएगी। मजे की बात तो यह है कि वह कल हमारे साथ जाएगी, राइट। तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट शी विल गो विद अस टुमारो, राइट। ओके नेक्स्ट है आई एम थ्रिल्ड दैट, मैं रोमांचित हूं कि इंडिया हैज वन द मैच, कि भारत मैच जीत गया है। मैं रोमांचित हूं कि भारत मैच जीत गया है, राइट। ओके नेक्स्ट इज आई एम शॉक्ड दैट, मैं हैरान हूं कि, आई एम शॉक्ड दैट, मैं हैरान हूं कि
फिर क्या हैरान करके क्या आता है, आई एम सॉन्ग दैट यू लेफ्ट हैंड ऑन योर वाइफ, मैं हैरान हूं कि तुमने अपनी पत्नी पर हाथ छोड़ दिया। नेक्स्ट है यू यूज सो वल्गर वर्ड्स, तुम इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, मैं हैरान हूं कि तुम इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, राइट डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना, आई एम शॉक दैट यू यूज सो वल्गर वर्ड्स। नेक्स्ट है शी इज प्लीज दैट, उसे खुशी है कि, अब आप कुछ भी लगा सकते हो आगे सेंटेंस, तो शी इज प्लीज दैट, उसे खुशी है कि यू हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, तुमने एक नया व्यापार शुरू कर दिया है, उसे खुशी है कि तुमने एक नया व्यापार शुरू कर दिया है, राइट। नेक्स्ट है आई ओ नीलम इज डिसप्लीज दैट, नीलम दुखी है कि यू हैव लॉस्ट योर जॉब, तुम्हारी नौकरी छूट गई है, नीलम दुखी है कि तुम्हारी नौकरी छूट गई है। नेक्स्ट है आई एम सॉरी दैट, मुझे खेद है कि आई कांट गो विद यू टुडे, कि मैं आपके साथ आज नहीं जा सकता हूं। ओके, आई एम सॉरी दैट का प्रयोग हमेशा आप करिए, जब आप कोई किसी का काम नहीं कर सकते हैं तो उस समय आपको बोलना आई एम सॉरी दैट, इसके पास सेंटेंस आपको लगा देना है, राइट। नेक्स्ट है शी इज क्यूरियस दैट, वह उत्सुक है कि, ओके, शी विल स्टडी इन द सेम कॉलेज, वह उत्सुक है कि वह भी उसी कॉलेज में पढ़ेगी। ओके, शी विल स्टडी इन द सेम कॉलेज, वह भी कॉलेज में उसी कॉलेज में पढ़ेगी, राइट। ओके, नेक्स्ट है ही इज डिसअपॉइंटेड दैट, वह खफा है, शी इज डिसअपॉइंटेड दैट, वह खफा है कि यू डिड नॉट इनफॉर्म हर, तुमने उसे सूचित नहीं किया। नेक्स्ट है आई एम प्राउड टू से दैट, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि यू आर माई वाइफ, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे कहते हुए गर्व है, I am proud to say that you are my wife, you are my friend, you are my relative. ऐसे बहुत सारे sentences आप बना सकते हैं dear friends. I hope you would have enjoyed this video today. Please ये practice करिए, और last में I want to request you all, please like, share and subscribe my channel, ताकि हमारा भारत बहुत आगे बढ़े, हम सभी को cooperate करना है, तभी हमारा भारत बहुत आगे जाएगा। अब ये सारी इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तो प्लीज हमारे दूसरे भाई जो नहीं कोचिंग कर सकते हैं उनको बेनिफिट देने के लिए आपको ये सारे वर्ड शेयर करना ही है, ताकि सभी लाभान्वित हों। विद दिस आई एम कमिंग टू एन एंड, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।